नमस्कार, बीसी न्यूज की प्रदेश की खबरों में मैं दिशा आपका स्वागत करती हूँ। आइए नजर डालते हैं खबरों की ओर। उत्तर प्रदेश के जनपद हापुड़ में पुलिस अधीक्षक नीरज कुमार जादौन के कोरोना पॉजिटिव होने के बाद आज हापुड़ में कल्पना सक्सेना ने एसपी पद का कार्यभार संभाला। आपको बता दें कि नवनियुक्त पुलिस अधीक्षक कल्पना सक्सेना ने पत्रकारों से बात करते हुए बताया कि वह त्रिस्तरीय पंचायती चुनाव को लेकर काफी सतर्क है। उन्होंने हापुड़ को 12 जोन व 72 सेक्टरों में बांटा, जिसमें प्रत्येक थाने पर 4-4 मोबाइल फोन भी लगा दिए गए हैं। हर तरह की घटना पर पुलिस अधीक्षक कल्पना सक्सेना की नजर रहेगी। वहीं कल्पना सक्सेना ने बताया कि चुनाव के दौरान कानून व्यवस्था बनी रहे, इसके लिए लॉ एंड ऑर्डर की एक अलग गाड़ी लगी रहेगी, जो कि कहीं भी घटना होते हो तो तुरंत दल बल के साथ वहां उपस्थित होगी। कल्पना सक्सेना ने कहा कि चुनाव का समय सुबह 7 से शाम 6 बजे तक का है। यह समय काफी है। चुनाव पर्याप्त कराने के लिए सभी लोगों से अपील की है कि कोरोना वायरस के चलते लोग सोशल डिस्टेंसिंग के साथ अपना वोट देने के लिए आए और अपना वोट डालकर सीधा अपने घर को जाए। चुनाव बूथ के पास या जहां पर्ची बढ़ती है वहां पर किसी भी व्यक्ति की भीड़ इकट्ठा नहीं होने दी जाएगी। इस समय हमारी प्रथम वरीयता चुनाव जो 29 तारीख को यहाँ पर चुनाव है, पंचायत चुनाव, उसमें पूर्ण रूप से निष्पक्ष चुनाव हो और पूरी तरह से स्मूथ हो, इंसिडेंट रहित हो, घटना रहित हो और हर प्रकार से लॉ एंड ऑर्डर की पूरी व्यवस्था बनी रहे, उस हिसाब से हम लोगों ने बड़े प्रबंध किए हैं। और उसी संबंध में ही फ्लैग मार्च निकालना, निरोधात्मक कार्यवाही करना, पूरे डिस्ट्रिक्ट को एक अच्छी नेटवर्किंग करना, जैसे कि उच्च अधिकारियों के आदेश से भी पूरा तंत्र चल रहा है। पूरे थाने को हम लोग, पूरे क्षेत्र को हम लोगों ने 12 जोन्स में और 72 सेक्टर्स में बांटा है। प्रत्येक थाना क्षेत्र पर हमारी 4 मोबाइल्स हैं जो क्लस्टर मोबाइल्स के रूप में चल रही हैं। उसके अलावा हमारी लॉ एंड ऑर्डर की एक अलग गाड़ी रहेगी, एक क्यूआरटी गाड़ी रहेगी, जो तुरंत दल बल के साथ में अगर कहीं भी कोई घटना होती है तो उसको लेगी और वहाँ पर प्रभावित करेगी। बाकी उसके अलावा प्रत्येक थाने से एरिया डोमिनेशन के लिए लगातार हमारी मीटिंग्स चल रही है, बार बार क्षेत्रों में जा रहे हैं। जो सेंसिटिव अति संवेदनशील क्षेत्र हैं उनको जो संभालने हैं, उनमें भी हमारे बीट के चौकी प्रभारी सभी लोग भ्रमण कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के जनपद हापुड़ के थाना देहात पुलिस के द्वारा त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को शांतिपूर्वक संपन्न कराने व शरारती तत्वों पर निगाह रखते हुए चेकिंग के दौरान दैदरा रेलवे फाटक के पास से एक महिंद्रा पिकअप गाड़ी सहित 27 पेटी अंग्रेजी शराब, जिसकी कीमत 2.25 लाख रुपए बताई जा रही, बरामद की है। आपको बता दें कि थाना हापुड़ देहात पुलिस ने रेलवे फाटक के पास से एक महिंद्रा पिकअप सहित भारी मात्रा में अंग्रेजी शराब व उसमें सवार 3 लोगों को उस समय गिरफ्तार किया जब वह गाड़ी छोड़कर भागने लगी, जिनका पीछा करके 2 लोगों को हिरासत में लिया गया। वहीं पूछताछ करने पर दोनों लोगों ने अपने नाम गुरमीत सिंह दयालपुर हरियाणा, रामजीत कच्चा बदरपुर और फरार साथी बचकर निवासी विपिन बताया है। पुलिस पूछताछ में दोनों शराब तस्करों ने बताया कि वह इस शराब को बल्लभगढ़ फरीदाबाद से हापुड़ में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के चलते सप्लाई करने के लिए ले जा रहे थे। पुलिस के द्वारा उनके पास से 2 मोबाइल, एक महिंद्रा गाड़ी और 27 पेटी अंग्रेजी शराब, जिसकी कीमत 2.25 लाख रुपए बताई जा रही है, बरामद की है, जिसको कब्जे में लेकर आबकारी अधिनियम एक्ट के तहत विविध कार्रवाई की जा रही है। बीसीएन न्यूज के लिए हापुड़ से अनिल कश्यप की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के जनपद हापुड़ के थाना पिलखुआ पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। जनपद हापुड़ पुलिस द्वारा मरीजों के इलाज के लिए उपलब्ध रेमडेसिविर इंजेक्शनों को चोरी कर उसकी कालाबाजारी करने वाले अभियुक्तों की धरपकड़ हेतु चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत थाना पिलखुआ पुलिस व जनपदीय टीम बी ने प्रतिष्ठित रामा मेडिकल कॉलेज व ट्रामा सेंटर की 3 कर्मचारियों को किया गिरफ्तार, जिनके कब्जे से एक रेमडेसिविर इंजेक्शन व रेमडेसिविर इंजेक्शन को बेचकर प्राप्त किए हुए 82,000 रुपए बरामद किए हैं। आपको बता दें कि पुलखुआ पुलिस को सूचना मिली थी कि रामा मेडिकल व ट्रामा सेंटर में कार्यरत नर्सिंग स्टाफ के शिवम उर्फ बादशाह, जो कि थाना धौलाना क्षेत्र के ग्राम ककराना का निवासी है, वह अपने 2 साथियों के साथ मिलकर राम अस्पताल में मरीजों के इलाज के लिए उपलब्ध रेमडेसिविर इंजेक्शन में से कुछ इंजेक्शन चोरी करके भारी दामों में बेच रहा है और 2 इंजेक्शन शिकायतकर्ता द्वारा भी पूर्व में 40,000 में खरीदे गए थे। जब शिकायतकर्ता को तीसरे इंजेक्शन की जरूरत पड़ी तो उसने
30,000 की मांग की। वहीं इस सूचना पर थाना पिलखुआ पुलिस व जनपदीय टीम बी ने रामा मेडिकल व ट्रामा सेंटर में कार्यरत नर्सिंग स्टाफ को मरीज के इलाज के लिए उपलब्ध रेमडेसिविर इंजेक्शनों में से कुछ इंजेक्शन चोरी कर भारी दामों में बेच रहे 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया, जिनके कब्जे से पुलिस ने 1 रेमडेसिविर इंजेक्शन व रेमडेसिविर इंजेक्शनों को बेचकर प्राप्त किए हुए 82,000 भी बरामद किए हैं। आपको बता दें कि पुलिस पूछताछ में अभियुक्तगणों ने बताया कि वह रेमडेसिविर इंजेक्शन राम अस्पताल में जिन कोरोना मरीजों का इलाज चल रहा है उनको लगाए जाते हैं, जिनमें से वह कुछ इंजेक्शन बचा लेती थी और जरूरतमंद लोगों को उचित दाम में बेचती थी। अभियुक्तगणों ने बताया कि उन्होंने पूर्व में 2 रेमडेसिविर इंजेक्शनों को 40,000 में बेचा था तथा 24 अप्रैल को 3 रेमडेसिविर इंजेक्शनों को 27,000 रुपए के बेचे थे। अभियुक्तगणों का यह कृत्य गंभीर प्रवृत्ति का अपराध है, जिसमें एक और अस्पताल में भर्ती मरीजों को समुचित इलाज नहीं मिल पा रहा है और वही उक्त कालाबाजारी से आपात स्वास्थ्य सेवाओं पर विपरीत प्रभाव पड़ रहा है। वही कालाबाजारी करने वाले 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। BCN न्यूज के लिए हापुड़ से अनिल कश्यप की रिपोर्ट। इन दिनों प्रदेश में कोरोना संक्रमण के चलते लॉकडाउन लगा हुआ है। सभी प्रकार के प्रतिष्ठान एवं दुकानें बंद है। इस बीच कलेक्टर संजय कुमार के निर्देश में आबकारी अधिकारी निधि जैन के नेतृत्व में दतिया सहायक जिला आबकारी केल भगोरा आबकारी वृत्त प्रभारी दतिया अनिरुद्ध खानिलकर की मुखबिर की सूचना पर ग्राम बरगांव कंजर डेरा पर अवैध शराब को लेकर की गई बड़ी कार्रवाई। कार्रवाई के दौरान 78 बल्क लीटर हाथ लगी भट्टी शराब 20,000 किलोग्राम हन नष्ट कर दिया। कार्रवाई में शराब की कीमत 10,11,700 रुपए आंकी गई। संपूर्ण कार्रवाई आबकारी निरीक्षक तुकाराम वर्मा, दतिया व्रत प्रभारी अनिरुद्ध, मुख्य आरक्षक शारदा प्रसाद तिवारी, अशोक शर्मा संजय शर्मा कर रहे हैं। आज कलेक्टर महोदय के निर्देशन में एवं सुश्री निधि जैन डीओ मैम के मार्गदर्शन में ग्राम बरगाय में आबकारी विभाग द्वारा दबिश दी गई, जिसमें भारी मात्रा में गोडलहान हाथभट्टे शराब एवं शराब बनाने के उपकरण बरामद किए। लगभग 20,000 किलोग्राम गोडलहान, 78 वर्ग लीटर हाथभट्टे शराब एवं शराब बनाने के उपकरण बरामद कर 4 प्रकरण पंजीबद्ध किए गए हैं। 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इन समस्त उपकरण और गोडलहान और शराब की कीमत 10,00,000 आकी गई है। इस प्रकार की कार्रवाई सतत जारी रहेगी। BCN न्यूज के लिए दतिया से लोकेश मिश्रा की रिपोर्ट। BCN न्यूज की प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। ऐसी अन्य और खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए BCN न्यूज। नमस्कार।